हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और ये वीडियो आपका थर्ड या आई थिंक फोर्थ लेक्चर होंगे इस टॉपिक के, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के। और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, जो हमने फार्मूला निकाला था सीटी का, यानी कि उसके यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स का, उसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उसमें बताया था आपको कि यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के आगे एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको मैंने सीटी का फार्मूला, वहाँ पे जो आउटपुट था वो हमने निकाल लिया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, 1 बाय जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। हमने इस फार्मूला को ड्राइव करके इसके आगे हमने बोला था ये स्टेप रेस्पॉन्स है। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे डिले टाइम, पीक टाइम और राइज टाइम और सेटलिंग टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट या मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो ये आपके जितने भी फार्मूला होंगे, डिले टाइम, राइज टाइम, ये सबसे गेट और आईएएस और अदर पीएससी और इसरो वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो सभी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इंप्रूव करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का सारे न्यूज आप पे मोबाइल पे नोटिफिकेशन उसका जाता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ कि किसी भी सिग्नल को अगर साइन, उस सिग्नल में साइन से मल्टीप्लीकेशन हो, फाइनल आपका जो था ये था यूटी था मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये सिग्नल सिस्टम का पार्ट है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास सिग्नल है टी इंटू साइन टी, तो करना क्या होता है इसका अगर आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए टी इंटू साइन टी है तो सबसे पहले हम वाई इक्वल टू टी का ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ऐसे टी का रिप्रेजेंट कर लिए, इसका हम क्या करेंगे मिरर इमेज ले लेंगे टी के, ये टी के एक्सिस के अबाउट। उसके बाद हम वाई टी यानी वाई जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जीरो हो जाएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू, और इसमें हम क्या करेंगे साइन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, समझे आप। तो ये हो गया आपका टी इंटू साइन टी। अगर मैं दूसरा ग्राफ की बात करूं, अगर मान लीजिए वाई टी इजकल टू हमने ले लिया सपोज कीजिए ई के पावर माइनस ए टी कॉस टी या साइन टी, कुछ भी ले लीजिए आप साइन टी, तो इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम y इजकल टू ई के पावर माइनस ए टी का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, और उसके बाद y सबसे पहले हम y जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल वैल्यू हमारा क्या है, तो ये साइन टी का वैल्यू जीरो और जीरो का किसी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे संख्या से तो जीरो हो जाएगी, तो हमारा इनिशियल वैल्यू जीरो ही होगा। और साइन ए टी का वैल्यू यानी अगर हम इसका अगर सिर्फ ग्राफ हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ई के पावर यहाँ पे जीरो पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा, आई थिंक वन आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू ये आ जाएगा 1 बाई ई के पावर ए टी, अगर यहाँ पर जीरो पुट कीजिएगा तो ई के पावर जीरो वन आ जाएगा, 1 बाई 1 1 आ जाएगा, और उसके बाद आप ई का वैल्यू इंक्रीज करते जाइएगा यानी टी का वैल्यू वन रखिएगा तो 1 बाई ई के पावर ए आ जाएगा, तो ये कुछ वन से कुछ डिवाइड होगा तो यानी वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा ई के पावर इन्फिनाइट कीजिएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब हमने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया, इसका हम क्या करेंगे मिरर इमेज ले लेंगे, तो मिरर इमेज कुछ ऐसा आ जाएगा और इसमें क्या करेंगे हम साइन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है ई के पावर माइनस ए टी साइन टी का ये ग्राफ हो गया, ठीक। और अगर यहीं पे मान लीजिए कॉस होता, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे कॉस होता कॉस टी, तो यहाँ तक तो फंक्शन सही सेम होता, ई के पावर ए टी का सबसे पहले ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते और वाई जीरो का वैल्यू हम फाइंड आउट करते, तो यहाँ पे ई का पावर जीरो वन हो जाता और कॉस जीरो का वैल्यू जीरो हो जाता यानी वन आ जाता। उसके बाद हम वन से ग्राफ को स्टार्ट करते, ये नहीं कि जीरो से हमने स्टार्ट किया था, क्यों, क्योंकि साइन जो हमने इनिशियल वैल्यू निकाला था वो जीरो था, यहाँ से वन से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे आपका कॉस का ग्राफ आ जाएगा, इसमें आप कॉस का ग्राफ अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया ई के पावर माइनस ए टी कॉस टी। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आएगा तो सिग्नल सिस्टम में क्लियर करते रहिएगा, ठीक है। और इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपको इसलिए बताया कि जो मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करूँगा ना, इसका ये
स्टेप रेस्पॉन्स का, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स का, तो वो आपको समझ में आ जाए कि ये ग्राफ हमने रिप्रेजेंट कैसे कर दिया। हालांकि बुक में दिया हुआ है और मैं आपसे बोल देता कि आप बस रट जाओ ग्राफ को, लेकिन एक तरह से पता होना चाहिए साइन है इसके मल्टीप्लीकेशन में इक्वल माइनस 80 है और वन से माइनस है, तो ये ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरह से तो इस तक इतना तो क्लियर हो गया कि साइन का उसमें अंदर ये ग्राफ आएगा, ये तो पता चल गया। और अगर हम जीरो टी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ओमेगा डी टी जीरो हो जाएगा, यानी साइन फाइन कुछ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो वन हो जाएगा, तो वन बाई ई के पावर माइनस जीटा कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। और जो हम इस एनालिसिस कर रहे हैं वो अंडर डैम्प्ड में कर रहे हैं, यानी जीटा का वैल्यू जीरो टू वन के बीच में है, तो जीटा का वैल्यू वन से जीरो के बीच में होगा, यानी कुछ कॉन्स्टेंट होगा, यानी वन माइनस समथिंग कॉन्स्टेंट आएगा, यानी वन माइनस कुछ होगा, माने 0.1 हुआ तो वन माइनस 0.1, यानी सी टी का वैल्यू कितना आ जाएगी 0.9। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह आपकी वैल्यू इनिशियली जो होगा मतलब कि कैसे इस मतलब कि एक तरह से साइनोसोइडल ग्राफ होगा, और ये स्टैंडर्ड ग्राफ है बेसिकली, ये किताब में दिया रहेगा और हर जगह, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि साइन टी और कैसे ये ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ रिप्रेजेंट करके उसके बाद हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ यहाँ पर पूरा साफ सुथरा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है ग्राफ आपका स्टेप रेस्पॉन्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप बुक में देखे होंगे, बीटेक में भी पढ़े होंगे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था उसका भी हमने स्टेप रेस्पॉन्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, और उसमें हमने फाइंड आउट किया था डिले टाइम और पीक टाइम, सभी चीज़ें सेटलिंग टाइम जिसमें 40 पे हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, सेटलिंग टाइम 40 पे वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, और वहाँ पे जो आपका डिले टाइम था और पिक टाइम था वो सभी का मैंने फार्मूला लिखा रहा था 2.2 इंटू टी, और 0.69 ये था आपका डिले टाइम, और पिक टाइम था 0.692 इंटू टी, तो ये था आपका वहाँ पे पिक टाइम। तो वो सब आप देख लीजिए एक बार, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए हम स्टेप रेस्पॉन्स का ग्राफ रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो हमने ये मैक्सिमम जो हमने जो मैक्सिमम पीक है एन इक्वल टू वन पे उसको वन माना है, और इसके जो सेकेंड जो मिनिमम जो फर्स्ट मिनिमम पीक है उसको एन इक्वल टू टू दिया है। जो ये होता है एन इक्वल टू वन, ये बोलते हैं हम ओवरशूट, याद रखिएगा, क्योंकि जब आप आगे पीक टाइम निकालना होगा तो आपका पीक टाइम का एक फार्मूला आता है, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एन इसे हम ड्राइव करेंगे फार्मूला का पाई बाई ओमेगा डी, और आपसे यहाँ सब पूछेगा कि निकालिए पीक टाइम फॉर द फर्स्ट ओवरशूट। तो फर्स्ट ओवरशूट का मतलब एन इजकल टू यहाँ पे वन पुट कर देंगे। अगर आपसे यही पूछेगा कि फाइंड आउट द पीक टाइम फॉर द सेकेंड ओवरशूट, तो सेकेंड ओवरशूट के लिए एन इजकल टू टू पुट नहीं करेंगे, सेकेंड ओवरशूट एन इजकल टू थ्री पे आता है। जो ये आपके ऊपर है ये सभी ओवरशूट है, जो नीचे है इसको हम बोलते हैं जो ये ग्राफ के वन जो लाइन है यानी 100% ऑफ द रिच वैल्यू, इसके नीचे जो है इसे बोलते हैं अंडरशूट। तो ये फर्स्ट अंडरशूट किस पे मिलेगा, ये मिलेगा एन इजकल टू टू पे। तो आपसे पूछेगा फाइंड आउट द पीक टाइम फॉर द फर्स्ट अंडरशूट, तो फर्स्ट अंडरशूट के लिए एन इजकल टू टू हम पुट करेंगे, फर्स्ट देखते ही हम एन इजकल टू वन नहीं पुट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड से मतलब है कि ओवरशूट फर्स्ट तो एन इजकल टू टू, यानी जितने भी ओवरशूट हैं वो ऑड एन इजकल टू ऑड नंबर पे मिलेंगे, और जितने भी अंडरशूट हैं वो एन इजकल टू इवन नंबर पे मिलेंगे। यानी अगर फर्स्ट अंडरशूट बोले तो टू, सेकेंड अंडरशूट तो फोर, थर्ड अंडरशूट सिक्स एन इजकल टू सिक्स पे। उसी तरह अगर फर्स्ट ओवरशूट पूछे तो एन इजकल टू वन, और ये सेकेंड ओवरशूट पूछे तो एन इजकल टू थ्री। तो इस टाइप से हम वहाँ क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो ये फर्स्ट जो होता है जो पीक वैल्यू इस जो इतना ये मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस, इसको मैक्सिमम ओवरशूट कहते हैं, जिसे एमपी से डिनोट करते हैं। इसका भी हम फार्मूला डेराइव करेंगे, और आपको जो डिले टाइम का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो डिले टाइम वहाँ पे हमने देखा था कि जीरो टू फाइनल 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू, यहाँ भी वही है कि जीरो टू 50% ऑफ दिस इनिशियल फाइनल वैल्यू रीच कर जाएगा, अगर उस जितने टाइम लगाएगा 50% वैल्यू को रीच करने में उसी को हम डिले टाइम कहेंगे। राइज टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में था वहाँ पर था क्या कि टाइम वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था इन केस ऑफ ओवरशूट में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए कि राइज टाइम के लिए बोल रहा हूँ, राइज टाइम इज टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम
10% टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर केस में ऐसा नहीं होता, ये फर्स्ट ऑर्डर केस में 0 to 90% होता है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर केस में टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। देखिए ये 100% से आपका जो ये वैल्यू रीच कर जाएगा वो जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं राइज टाइम, और पीक टाइम जो होता है वो होता है टाइम टेकन। ये देखिए सभी का मैं डिफिनेशन अभी लिख दूंगा, लेकिन ये जो सबसे मैक्सिमम जो है ना टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स, मतलब उतना टाइम जो रेस्पॉन्स लेगा जितने में वो मैक्सिमम जीरो टू मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाएगा, वो जितना समय लगेगा मैक्सिमम पीक पर पहुंचने के लिए उसी टाइम को हम बोलते हैं पीक टाइम। यानी इसे कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यानी पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो इतना टाइम लगेगा, यानी ये तो इसी को हम बोलेंगे और टीपी यानी कि पीक टाइम। और मैक्सिमम ओवरशूट की बात करेंगे तो मैक्सिमम ओवरशूट होता है एमपी इज द डिफरेंस बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड स्टडी स्टेट वैल्यू। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये वैल्यू जो होती है वन वो स्टडी स्टेट वैल्यू होती है, ये ट्रांजिएंट वैल्यू होती है। तो आपको जो स्टडी स्टेट वैल्यू वन है उसमें और मैक्सिमम पीक के जो डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो और माइनस वन, वन है यहाँ का स्टडी स्टेट, उसको माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस का मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा। मैं एक एक डिफिनेशन लिखाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकल हिंट्स दे रहा हूँ समझने के लिए। सेटलिंग टाइम इसमें होता है ना द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 98% ऑफ दिस फाइनल वैल्यू, कह सकते हैं टू स्टे विथ इन द स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड, यानी कि जब तक ये स्टे करेगा टाइम जब तक टॉलरेंस 2% वैल्यू अपना पहुंच नहीं जाता है। यानी कि ये देखिए आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में 98% हमारा 40 पे मिलता है, तो सेटलिंग टाइम यहाँ पे जब तक 2% का बैंड नहीं हो जाता है टॉलरेंस बैंड, तब तक ये उस उतना टाइम लेने में जब तक 2% ये 2% का टॉलरेंस है यहाँ, तो 2% टॉलरेंस पर रीच कर जाएगा वैल्यू, तो उतना तक हमारा पूरा टाइम शुरू से जीरो से लेके उतना तक सेटलिंग टाइम कहा जाएगा। और सेटलिंग टाइम का भी फॉर्मूला हम लिखेंगे, यहाँ भी 40 ही होता है 98% के लिए, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए भी वही होता है। नंबर साइकिल को देखेंगे, और इसमें काफ़ी कंसेप्ट है और काफ़ी लंबा वीडियो होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। इसके बाद जनरलाइज स्टडी स्टेट एरर यानी ESS मैंने यहाँ लिखा है उसको भी डिस्कस करेंगे। एक एक इसमें जितने भी टर्म लिखे हुए हैं ना आपको अंडरशूट ओवरशूट एमपी टाइम डीले राइज पीक सभी चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइज टाइम को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ग्राफ को रहने देते हैं। और सबसे पहले आप लिख लीजिए डिफिनीशन, लिख लीजिए राइज टाइम का डिफिनीशन, लिख लीजिए राइज टाइम का। और राइज टाइम का जो डिफिनेशन था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए उस केस में तो हमने लिख ही लिया था। और देखिए राइज टाइम टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इन केस ऑफ अंडरडैम्प्ड सिस्टम। ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम में ही सभी एनालिसिस करेंगे। यानी मैं कहूँ अगर जनरलाइज टर्म में जो हमारा टाइम जो होगा उस TR कब होगा जब हमारा सिटी जो है 100 यानी 1 यानी 100% रीच कर जाए। सिटी क्या है हमारा स्टेप रेस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स हमारा 100% रीच कर जाए मतलब पहुंच जाए अपने फाइनल वैल्यू पे रेस्पॉन्स पे, तो इसे हम कहेंगे राइज टाइम, ठीक है। तो यानी सिटी इक्वल टू 1 पुट कर दें, ठीक है। तो सिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए, और सीधे आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि जीटा ओमेगा एन आपको याद भी हो गया होगा, नहीं याद होगा इतना बार लिखेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक। साइन ओमेगा डी टी प्लस सॉरी हाँ प्लस फाइव, ठीक। और यहाँ पे सिटी की वैल्यू क्या है 100% है, तो हम 100% अगर 1 रखेंगे तो टी की जगह राइट टाइम हम पुट कर देंगे, ये राइट टाइम हो जाएगा। और ये 1 और 1 माइनस करेंगे तो ये डायरेक्ट में सॉल्यू आप एक एक स्टेप करके सॉल्यूशन लिखना, ठीक है, पहले लिख लेना फिर 1 पुट करना फिर वो करना, तो 1 उससे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और कैंसिल आउट होकर सीधे ये माइनस बाहर यहाँ लेके चले जाएगा 0 पे, तो ये माइनस भी कट जाएगा, तो सीधे आपका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जो आपको फाइनल वैल्यू आया 1/gTr/√1 - gT² sin ωdTr+5, तो देखिए इक्वल टू 0। तो या तो हम इसको 0 कर दें या इसको 0 कर दें जिससे हमें राइज टाइम मिल जाए। तो देखिए हम अगर साइन को इसको 0 करेंगे तो ये नीचे जो वैल्यू है वो इधर जाके 0 हो जाएगी और e के पावर यहाँ से आ जाएगा जीटा ओमेगा एन टी आर इक्वल टू 0। अब कुछ बना नहीं पाते यहाँ पे, ठीक है।
इसे आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 1/e^-ζωnTr। या यहाँ से आप क्या करेंगे कि ln लेंगे, दोनों साइड अगर ln ले लें, ओके, तो पता है ln 0 की वैल्यू जो होती है, ये ऐसे कुछ होता है ना लॉग का, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मतलब कि ये ना मतलब कि अनडिफाइंड होने लगता है, ठीक है? तो इसीलिए अनडिफाइंड होने की वजह से हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे कि टाइम टाइम 0 की वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इसको मतलब कि इसको 0 कर लेंगे। तो साइन ओमेगा डी टी आर +5 को हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक? और पता है साइन अगर 0 करते हैं, एन पाई आ जाता है ओमेगा डी टी आर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए, एन पाई हो जाता है। दोनों साइड इसको हम साइन इनवर्स 0 लेंगे तो एन पाई हो जाता है, यानी कि साइन टी इजकल टू अगर 0 है तो टी इजकल टू एन पाई हो जाता है, ठीक है? अगर इसका ग्राफ एन पाई क्या होगा कि जब इसका साइन का ग्राफ कीजिएगा तो ये पाई हो गया, ये 2 पाई पे, मतलब पाई 2 पाई सभी एन की वैल्यू इंटीजर पे वैल्यू टी इजकल टू हमारा 0 मिलता है। मतलब वाई टी हमारा 0, यानी वाई टी अगर ये ग्राफ है तो वाई टी का वैल्यू सभी जगह 0 मिलेगा, इसीलिए एन से मल्टीप्लीकेशन होता है, वो सब सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से आपका राइज टाइम का जो फॉर्मूला निकल के आया, एन पाई तो पहले से ही है और -5 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा ओमेगा डी। ओमेगा डी इक्वल टू है, आप याद रखना, ओमेगा एन -1 -ζ2। तो ये फार्मूला आके बन गया आपका राइज टाइम का। तो ये काफ़ी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, इसे मार्क कर दिए, राइज टाइम ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये यानी कि ये राइज टाइम है किस केस में, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। यहाँ से आप याद रखना फाई जो है यहाँ पे रेडियन में है, आपका रेडियन में नहीं दिया हो फाई का वैल्यू, तो आप क्वेश्चन में तो आप उससे पहले रेडियन रेडियन में चेंज करके ही पुट करना, क्योंकि गेट आपको पता ही है कितना इस सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मिस्टेक आप कर जाते हैं गेट में। तो इसलिए फाई का वैल्यू यहाँ रेडियन में है तो रेडियन में ही पुट करना, अगर रेडियन में नहीं दिया रहा है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। पता है ना कि पाई बाई 180 है, ठीक है? तो इसको कोई भी वैल्यू दिया रहा है उसको पाई बाई 1/80 से भाग कर डिवाइड कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, और 1/80 बाई पाई से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसी भी डिग्री में, मतलब किसी भी वैल्यू में, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ 12th बेसिस का है, तो ये सब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे आपको फिर से एनालिसिस कर दूंगा, वहाँ पे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? अब चिंता मत करना। तो ये हो गया आपका रेडियन। ये हम अगर एन इजकल टू 1 पे हम ज़्यादातर कैलकुलेट कर, राइट टाइम जो होता है, राइट टाइम हमने ग्राफ में देखा था, देखिए ग्राफ अभी आपको मैं ले चलता हूँ, ग्राफ ही पर ले चलता हूँ। देखो राइट टाइम जो था, ये राइट टाइम जो था ये यहाँ पे मिलता था, तो मतलब कि एन इजकल टू 1 ही ले लेते हैं हम नॉर्मली केस में, ठीक है? एन इजकल टू 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो एन इजकल टू अगर यहाँ पे 1 कंसिडर कर लें तो पाई -5/ωd, ओमेगा डी है इजकल टू है ओमेगा एन √1 -ζ2, ठीक है? और ये एक और फार्मूला है, इसका इक्विवेलेंट फार्मूला है। इक्विवेलेंट मतलब कि शॉर्टकट, जैसे कि पहले क्या करना निकाल कर देख लेना, इससे अगर नहीं निकलेगा तो क्या आना, 0.8 +2.5 ζ/ωn, ये एक इक्विवेलेंट है, ये एग्जैक्ट राइट टाइम इससे नहीं निकलता है। पीएसयू जो अगर हमें अगर मतलब कि जो ऑप्शन है, अगर राइट टाइम आपका है 0.001, 0.0012, 0.0013, हालांकि इतना नहीं होता है, ठीक है? ये 0.5 हो गया, 0.51 हो गया, 0.52 हो गया, तो ऐसे अगर है तो आप तो इससे निकालिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप पहचान ही नहीं पाएगा कि सभी तो ये बहुत ज़्यादा करीब करीब है। लेकिन मान लीजिए कोई ऑप्शन है राइट टाइम 5 सेकेंड, 9 सेकेंड, 1 12 सेकेंड, तो इस केस में ये फार्मूला काम आ जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे 0.8 प्लस खाली जीटा का वैल्यू रखना है और ओमेगा एन का वैल्यू दिया रहेगा, वहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है? तो ये था राइज टाइम का एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और डिले टाइम का भी फॉर्मूला लिख लियो। डिले टाइम के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, 50% ऑफ फाइनल वैल्यू है ना, तो सी टी इजकल टू क्या करना, 1/2 कर लेना, ठीक है? और 1/2 करके और उसी को मतलब कि वही लेफ्ट है जो जैसा हमने अभी किया था राइट टाइम के लिए, तो मैथमेटिकल है तो आ जाएगा, तो उसका भी लिख लो 0.7 ζ/ωn। ये फॉर्मूला याद रखना, इसी पर डिले टाइम का सारा मतलब क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है? और ये ग्राफ में आपको पता है डिले टाइम जो था 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, इसीलिए हमने सीटी का वैल्यू जो था 50% हो रहा है ना, तो सीटी का वैल्यू आपका 1/2 पुट कर लेना सीटी का ग्राफ में, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, और निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पीक टाइम।
पीक टाइम जो होता है वो टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया था वो पीक टाइम था आपका राइज फ्रॉम जीरो टू और मैक्सिमम पीक वैल्यू जो यहाँ था, इतना तक जो रेस्पॉन्स था राइज करेगा उतना में जो इतना टाइम लगेगा उसी को हम पीक टाइम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एनालिसिस तो काफ़ी लंबा है, मतलब कि इसमें लग जाएंगे 20 मिनट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ और टाइम मिलेगा तो मैं पीक टाइम पे स्पेशल डेरिवेशन कर दूंगा इस फार्मूला को, लेकिन आपको बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप अपने बुक से कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना कि मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन डेरिवेशन से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरिटिकल पार्ट तो पूछे नहीं जाते हैं गेट में, तो गेट के लिए बेसिकल वीडियो और कोई भी पीएससी में तो पूछे नहीं जाते हैं, थ्योरिटिकल पार्ट इसरो वगैरह किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो बस आपके फॉर्मूला सब क्वेश्चन आएंगे और आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पीक टाइम है जो मैक्सिमम पीक पर वैल्यू है मैक्सिमम, तो वो मैंने बता ही दिया आपको ग्राफिकल में। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जैसे टीपी आपको टी इक्वल टू टीपी ना, तो डी बाई डी टी इंटू सी टी इक्वल टू आपको डिफरेंशिएशन जीरो, तो आपको पता है ना मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि स्टेप रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका आएगा ट्रांसफर फंक्शन उसको आप एनालिसिस करेंगे और मतलब कि उसको इजिली आप डिफरेंशिएशन करके और टी इजिकल टू जीरो को पुट कर देंगे तो फाइनल आपका निकल के आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे क्या करना है, डी बाई डी टी यहाँ पे जो आपका आया था 1 माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट कर देना। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लगेगा। एक को डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा को छोड़ देना है, फिर दूसरा को डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट वाला को छोड़ देना है, और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। और उसको आप फाइनल जब डिफरेंशिएशन करके उसको मिनिमाइज कीजिएगा तो जो फाइनल आएगा ना वो आएगा ओमेगा एन ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और साइन फाई माइनस ओमेगा डी टी, और हमने टी की जगह टी पी पी पुट कर दिया है और माइनस फाइव, और ये फाइव से प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आ जाएगा आपका यहाँ से साइन ओमेगा डी टी पी, ये माइनस हम बाहर कर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आउट हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो फिर हम वहीं पे आ गए कि साइन ओमेगा डी टी पी इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा डी टी पी इक्वल टू एन पाई, और आपसे यहाँ से निकल के आ जाएगा टी पी इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पीक टाइम का फॉर्मूला। तो ये काफ़ी वीवीआई है, ये याद होना चाहिए आपको, एन पाई बाई सभी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हमने किया, पहले डिफरेंशिएशन करना उसको दोनों को ये मिनिमाइज कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, उसको आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना, ये इक्वल होंगे जीरो का, तो या तो इसको कर लो या इसको कर दो। तो इसको करेंगे तो वो नहीं आएगा, मतलब कि अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा जब हम इसको मतलब आप पहले देखे ही थे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो ये इसको हम कर लेंगे जीरो के इक्वल, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा पीक टाइम का। मैंने नहीं किया है डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन बहुत लंबा टाइम है इसमें, कुछ आप देखना बुक से देख लेना, किसी भी कहीं भी मिल जाएगा आपको, बहुत ईजी है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में कुछ ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था टी पी इक्वल टू क्या हो गया एन पाई रूट सॉरी ओमेगा डी, ओमेगा डी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका एन है अगर ऑड नंबर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ओवरशूट, यही तो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ा देर पहले। मैक्सिमम ये लिख सकते हैं, मैक्सिमा लिख दीजिए और ओवरशूट, तो इसे ओवरशूट भी बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, बोलता है फर्स्ट मैक्सिमा तो एन इक्वल टू 1, सेकेंड मैक्सिमा तो एन इक्वल टू 3, यानी ऑड पे एन इक्वल टू जब इवन रहे, ठीक, तो इसे हम मिनिमा बोलते हैं और अंडरशूट भी बोलते हैं, अंडरशूट, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट मिनिमा वैल्यू आप निकालिए डिलेट पीक टाइम फर्स्ट फॉर द फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा किस पे आएगा, एन इजकल टू 2 पे, और सेकेंड मिनिमा एन इजकल टू 4 पे, तो वही ग्राफ में अभी बताया था मैं, जैसे वही चीज़ है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम मैक्सिमम पीक, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, और पीक ओवरशूट,
और इसको डिनोट करते हैं एमपी से। ये ग्राफ में चलते हैं, ग्राफ में आपको और समझ में आएगी, काफ़ी नीचे चला गया। देखिए ये जो आपका मैक्सिमम, ये मैंने बताया था ना मैक्सिमम वर्सेस तो क्या होता है, मैक्सिमम पीक माइनस ये वन, यानी कि स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स माइनस कर देंगे तो आपका मैक्सिमम ये ओवरशूट या मैक्सिमम पीक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले एम पी द डिफरेंस बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड स्टडी स्टेट वैल्यू, यानी कि अगर एम पी की बात करूँ तो सी टी माइनस सी इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम ओवरशूट कितने में मिलता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम पे, यहाँ पे पी हो जाएगा। और ये आपका अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ए इंटू सी टी पी टी माइनस सी इनफाइनाइट। ठीक है, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए, इसमें जो एम पी है, एम पी को हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइज डिफरेंस बिटवीन द पीक वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स को हम नॉर्मलाइज करते हैं, तो क्या करते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे वो चीज़ देख लो, जो एम पी होगा वो क्या हो जाएगा, सी टी पी पीक टाइम पे जो वैल्यू मिलेगा ना, वो ग्राफ में मैंने बताया था ना पीक टाइम पे कहाँ पे मैक्सिमम जो पीक था उस पे वैल्यू, तो यानी कि पीक टाइम पे जो आपका सी का वैल्यू होगा यानी कि स्टेप रेस्पॉन्स का, वो माइनस स्टडी स्टेट का जो वैल्यू है वो, यानी सी इनफाइनाइट पे बाई सी इनफाइनाइट इंटू 100। ठीक, ये हो जाता है स्टेट स्टेप और यूनिट स्टेप के लिए परसेंटेज ऑफ एम पी। तो एक चीज़ और देख लीजिए, जो परसेंटेज ऑफ एम पी होता है यानी मैक्सिमम ओवरशूट, अगर ए है कोई वैल्यू और ये एम पी है, तो अगर मान लीजिए ए का जो वैल्यू है वन से टू होता है, इंक्रीज करता है टू टाइम्स, तो एम पी की भी वैल्यू अगर 0.1 है तो 0.2 से ही इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ का याद रखना। नोट में एक चीज़ और लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वेरीड देन एम पी वेरीज प्रोपोर्शनली बट परसेंटेज ऑफ एम पी रिमेंस सेम। यानी कि अगर आप किसी भी इनपुट सिग्नल का, जो इनपुट सिग्नल होता है आर टी, उसका अगर मैग्नीट्यूड आप इंक्रीज करेंगे तो एम पी जो वेरीज नहीं करेगा, मतलब कि एम पी जो होगा वो इंक्रीज करेगा प्रोपोर्शनली, लेकिन परसेंटेज ऑफ एम पी इंक्रीज नहीं करेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। तो एम पी का यहाँ से एक चीज़ आ जाएगा, देखिए एम पी इजकल टू सी टी पी यानी कि पीक टाइम पे माइनस वन, सी इनफाइनाइट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वन होता है, सी जीरो जीरो हो जाता है, ये मैंने निकाल के आपको बताया था स्टेप रेस्पॉन्स के केस में, तो ये वन हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, जो सी का वैल्यू था ये सी टी का, वो वैल्यू पुट कर दो, तो ये पुट करोगे तो वन माइनस ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, टी की जगह टी पी रख दो, रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर, और ये होता था साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव टी पी रख लो माइनस वन, तो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से एम पी जो होगा ये आपका जो टी का पीक टाइम का अभी वैल्यू हमने निकाला था एन पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, और एन हमने निकाला था कि पीक टाइम हमारा क्या था, वन पे हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पीक का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए टी पी का, तो यहाँ पर रख दीजिएगा तो पाई बाई ओमेगा डी, तो ओमेगा डी से ओमेगा डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सीधे मिल जाएगा यहाँ पे पाई। ठीक, पाई प्लस फाई, और ये सभी वैल्यू हमारा, ये अपना अलग अलग लिखना, मैं तो बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अपने से नहीं करना। तो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस ई का पावर माइनस जीटा पाई, और यहाँ पे भी टी पी के जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, वो जैसे कि टी पी था ना ओमेगा एन रूट अंडर इंटू टी पी, तो टी पी का भी वैल्यू हम पुट कर देंगे पाई बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये कैसे आ गया, टी पी का जो वैल्यू था वो था पाई बाई ओमेगा डी। ठीक, तो पाई ओमेगा डी का वैल्यू हमारा ओमेगा एन रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया और पाई बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर आ गया, और जो वन बाई जीटा स्क्वायर है ये एज इट इज हो जाएगा। अब देखो साइन पाई प्लस फाई जो होता है वो हो जाता है साइन फाई, और माइनस बाहर आ जाता है, एक चीज़ का याद रखना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। और मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था साइन फाई का जो क्या फॉर्मूला था, वन माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये जीटा से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया एम पी का,
ये बताया था मैंने कि ये साइन फाई इज इक्वल टू वन माइनस जीटा स्क्वायर, कॉस फाई का लिखाया था कि जीटा, ठीक है। तो ये एमपी का जो फॉर्मूला आके निकल गया वो फाइनल आ गया जीटा पाई बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैक्सिमम ओवर शूट का इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ये सब एनालिसिस करने का जरूरत नहीं था उतना, लेकिन मैंने कर दिया था कि आपको समझ में आए कि फार्मूला आ कहाँ से रहा है, ठीक है। और यही से आपका पीक टाइम का जो फार्मूला था ये एन एक हम वो वन माइनस जीटा स्क्वायर और ओमेगा एन, ओमेगा डी था पाई बाई ओमेगा डी, तो ओमेगा डी का हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। इसके लिए हम ये फाइंड आउट किए एम पी। तो एम पी रिप्रेजेंट जीटा एंड टी पी रिप्रेजेंट ओमेगा एन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ जीटा। यानी देखिए एम पी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीटा को, और टी पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को। बस ये कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बात थी। तो यहाँ से मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला निकल गया। देखो अभी मैं जितना भी फॉर्मूला एनालिसिस करा रहा हूँ, जितना भी डराइव करके निकाल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन में पूछेगा आगे जाके, ठीक है। क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन देखेंगे गेट वगैरह का, तो वहाँ पे देखेंगे सभी फॉर्मूला यूज होगा। बस आप थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बस पेशेंस रख के देख लो, ठीक है। उसके बाद आता है सेटलिंग टाइम, सेटलिंग, सॉरी, जो सेटलिंग टाइम होती है टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम जीरो टू स्टे विद इन स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड, यानी वही 2% का बैंड। यानी कि एट अगर टी इक्वल टू सेटलिंग टाइम पर बात करें टी एस, तो आपका जो सी टी होगा वो 90% रीच कर जाएगा आपके फाइनल वैल्यू का, 90% और 98%, और यानी यहाँ पे 2% का टॉलरेंस होगा। तो 98% अप्रॉक्स हम 1 ही मान लेंगे, क्योंकि एक 98% वैल्यू क्या करेगा, 0.2% ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो फिर भी हम रखेंगे 0.098 ही वैल्यू हम लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक जो सही कैलकुलेशन है जीटा ओमेगा एन टी एस बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर, ये सी टी का फॉर्मूला है, बस वहीं रख रहे हैं। और साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाई इजकल टू 0.98, तो ये वन यहाँ जाएगा, राइट साइड इसको ले जाएंगे वन को, तो ये आ जाएगा 0.02। आप अलग अलग पॉइंट में करना, ठीक है, आप सीख रहे हो तो अभी। और ये माइनस उधर जाएगा, तो प्लस, ये वन गया यहाँ तो ये माइनस में आता, तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ये सभी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। और यहाँ से आप एक चीज़ और देख लो कि थोड़ा सा एनालिसिस है कि जीटा जो होगी लेस देन वन ही है, ठीक। तो जीटा स्क्वायर करेंगे तो और लेस देन वन हो जाएगी, यानी कि वन माइनस जीटा स्क्वायर करेंगे तो वन के इक्वल हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, देखो जीटा का वैल्यू तो 0 to 1 के बीच में हमने लिया है। अंडर डैम्प सिस्टम के लिए हम इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं, तो अंडर डैम्प सिस्टम के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस केस में जीटा 0 से 1 है। तो यानी अगर हम जीटा को स्क्वायर करें, तो अगर 0.1 ले ले, 0.,, सपोर्ट करो 0.6 से 0.3 तक मैंने बताया था स्टैंडर्ड, मतलब बेटर होता है जीटा की वैल्यू। तो मान लो 0.6 ले लिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.36, इतना भी नहीं होता है। मान लो 0.3 लिए तो 0.09 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना कम हो गया, बहुत लेस देन हो गया वन से। तो उस केस में हमारा वन बाय माइनस जीटा स्क्वायर हमारा एज इट इज वन जैसे वर्क करने लगेगा। तो यहाँ से जो फार्मूला था उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यानी जो ये फार्मूला आया था जीटा ओमेगा एन टी एस बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी एस प्लस फाइव इजकल टू 0.02। तो यहाँ पे इसको अगर हम वन जैसे ट्रीट कर लें, तो ये सीधे से ये नेगलेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट नेगलेक्ट कर दिए अगर हम, तो यहाँ से हम जीरो का इसको अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू पे नहीं आएगा। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं इस बार, ठीक है। ये बुक में ऐसे ही किया गया है, मुझे नहीं पता है कि आखिर उसको भी लेके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं लेते हैं। तो ये अप्रोक्स मतलब वैल्यू है एक तरह से, क्योंकि हमारा जो वन माइनस जीटा था उसको हमने वन कंसिडर कर लिया तब ये आया, अदरवाइज नहीं आता। ये रूट अंडर यहाँ पे आ जाता वन माइनस जीटा स्क्वायर, अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो इसलिए हम अप्रोक्स है एक तरह से। तो यहाँ से आप एल एन दोनों साइड ले लेंगे, तो एल एन 0.02 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और ये आपका यहाँ से आप माइनस में आएगा, यहाँ पे जब करोगे तो अप्रॉक्स माइनस में आएगा, और यहाँ से आ जाएगा जीटा ओमेगा एन टी एस। तो यहाँ से टी एस इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बाई जीटा ओमेगा एन,
यही आपका सेटलिंग टाइम हो गया। ये सेटलिंग टाइम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, दोनों के लिए सेम होती है। तो ये 4t टी इजकल टू हो जाता है 1 बाई जीटा ओमेगा एन, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ से टी एस का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सेटलिंग टाइम से जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेटलिंग टाइम से और मैक्सिमम ओवरशूट से पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन सभी को पढ़ेंगे, सभी को याद रखेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे एनालिसिस करते हैं। देखिए एक एक जगह अगर साइकिल की बात करें टी साइकिल का, तो 2π/ωd होता है, ठीक है, यानी 2TP, और ये π/ωd होता है पीक टाइम, तो इसलिए हम 2 मल्टीप्लीकेशन हो गया TP हमने लिख दिया। तो जो नंबर ऑफ साइकिल होगा ये होगा TS/T साइकिल, ठीक। और यहाँ से 4π/ωn रखेंगे, तो ये इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे और टी साइकिल का वैल्यू हम रख देंगे, टी एस का वैल्यू रख देंगे और सभी चीज़। तो नंबर ऑफ साइकिल का जो फार्मूला आएगा डायरेक्ट आप याद रखना, ज़्यादा एनालिसिस इसमें मत कराओ उससे, ठीक है। 2√1 − ζ² / π ζ, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ साइकिल का फॉर्मूला आएगा, याद रखना। 2√1 − ζ² / π ζ, ये नंबर ऑफ साइकिल आपको दे देता है, तो आप फंस सकते हैं, मतलब कि अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ एनालिसिस, नहीं तो कहोगे मुझे ही नहीं आता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं मैसेज में, ठीक है, कि सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से आ गया TS/T साइकिल कैसे आया, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। T/ζ/ωn और आपका ओमेगा एन √1 − ζ² / 2π, तो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 यहाँ से आ गया और ओमेगा एन से ओमेगा एन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ जाता है 2√1 − ζ² / π ζ, ठीक है। टी साइकिल जो आपका पता है ना कि जो फिर टाइम होता है क्या होता है, एक साइकिल में जो आपका ग्राफ था, ये रिप्रेजेंटेशन था, ये ग्राफ वो साइन का ग्राफ था, साइन से मल्टीप्लीकेशन था, साइन का कितना टाइम पीरियड होता है 2π, यानी 2π में कितना बार साइकिल रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी से, हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं उस साइकिल से, तो हमारा निकल जाता है टी साइकिल। तो वहीं से तो आया है, और π/ωd TP हो गया, और टी पी का हमने TS, तो नंबर ऑफ साइकिल होगा, तो वो हो जाएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल होगा इनफिनाइट टाइम तक, तो पूरा सेटलिंग टाइम जब तक 98% आउटपुट पर आपका रीच नहीं कर जाता है, तो वो सेटलिंग टाइम बाई टी साइकिल, उतना में एक साइकिल में कितना टी साइकिल आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ साइकिल मिल जाएगा। तो वैसे ही किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टी साइकिल का फॉर्मूला था वो रख दिए और टी एस का फॉर्मूला रख दिए, दोनों को कैंसिल आउट कर दिए। अभी तो हमने टी एस और टी साइकिल का तो ये सब पीक टाइम वगैरह का निकाला है, तो वही किया है बेसिकली, ज़्यादा ये दिमाग मत लगाओ ज़्यादा अगर नहीं कुछ हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ साइकिल का बस याद रखना ये, ठीक है, ये कभी पूछता नहीं है, बस ऐसे ही लिखा देता हूँ। एक बार शायद पूछा है π ζ, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस, और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं स्टडी स्टेट एरर के बारे में, ठीक है। चलो स्टडी स्टेट एरर जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है, सॉरी हाँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रेस्पॉन्स का है, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी स्टेट एरर का जर्नलाइज फॉर्म देखेंगे कि कोई भी सिग्नल रहे तो हम कैसे जर्नल वे में निकालते हैं, तो और उसके बाद फाइनल ये सभी हो जाएगा, थ्योरिटिकल पार्ट एक बस स्टडी स्टेट एरर बचा हुआ है, तो सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, और मैं क्वेश्चन के लिए 3-4 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इस पर डिटेल क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लेना कि मैं थ्योरिटिकल मतलब पढ़ा के निकल जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा अगर पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है। एरर ESS, तो आपको पता है कि इसका मैंने फार्मूला लिखाया हुआ था कि T tends to 0 × ET ये होता है स्टडी स्टेट का फार्मूला। और स्टडी स्टेट होता एरर होता क्या है, बेसिकली जो भी आपका रेस्पॉन्स मिला, जो भी आपने इनपुट प्रोवाइड किया RT, अगर पूरा टोटली आपका सीटी पे पहुंच गया, यानी रेस्पॉन्स पे पहुंच गया, तो 0 एरर होगा। कुछ अगर नहीं पहुंचा पार्ट, मान लीजिए 100 रुपया आपने RT भेजा और 98 रुपया ही सीटी मिला, तो आपका कितना परसेंट दो आपका एरर हो गया 100 − 2, तो वही बात है जर्नल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्टेप रेस्पॉन्स के लिए क्या सिग्नल भेजा था, UT भेजा था, और आपको फाइनल रेस्पॉन्स क्या मिला था, 1 − ζ ωnt
बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई इंटू यू टी, ये आपका रेस्पॉन्स मिला था। तो यहाँ से यू टी यू टी मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ से वन और यू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो एरर आएगा ई टी वो आ जाएगा प्लस, ये माइनस से माइनस जाकर प्लस हो जाएगा जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ये जो आपका था ये टोटल एरर आ गया। और अगर हम टाइम टी इक्वल टू जीरो पुट कर दे, यहाँ पे ईटी का फॉर्मूला है ना, लेकिन आपका स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, लिमिट एस टी टेंस टू जीरो इंटू ई टी, यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर जो होता है वो होता है लिमिट टी टेंस टू जीरो इंटू ई टी। तो हम अगर इसमें लिमिट टी टेंस टू जीरो पुट कर दें, इस जो हमारा स्टडी स्टेट आर ई टी आया उसमें ओमेगा टी बाई रूट अंडर वन माइनस जीटा और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ठीक, तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो ये वन हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन का जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा तो फाइव आ जाएगा, और ये वन हो जाएगा तो ये सीधे आ जाएगा वन माइनस जीटा। तो जो ये क्या होता है, फेज को डिफाइन करता है, ठीक है। तो आपका एरर क्या हो गया, यस क्या हो गया, जीरो हो गया, माने एरर तो कुछ भी नहीं आया, जो आपका ग्राफ था वो फेज में चेंज हो गया। फेज चेंज क्या होता है कि फेज राइट शिफ्ट कर देना या लेफ्ट शिफ्ट कर देना। तो अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो कोई मैग्नीट्यूड वगैरह में कुछ एरर नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मतलब कि पहले हो जाएगा या फिर फेज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो वो एरर नहीं होता है, ठीक है। एरर क्या होता है, जो आपका मैग्नीट्यूड जो भी आपने भेजा उसमें चेंजेज आ जाए, नुआज आ जाए, ये सब एरर है, ठीक है। फेज का चेंज हो जाना एरर नहीं कहा जाता है, उसको शिफ्ट करके हम रिकवर कर लेते हैं। तो ये आपका था आज का कंप्लीट वीडियो, मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ और इससे भी लंबा हमने वीडियो किया हुआ है। तो आप घबराइएगा मत, पूरा अच्छा से पढ़िएगा, दो बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि किस पोर्शन पे आपको दिक्कत है। हालांकि दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा एक मैंने छोड़ा है आपको एक पीक टाइम का, बहुत लंबा है और टाइम ज़्यादा लग जाता तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप करना क्वेश्चन आप पूरा थ्योरेटिकल मैंने डिराइव करी, आप अपने से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद हम स्टडी स्टेट एरर को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम एक वीडियो ये भी देखेंगे कि सभी में हमने क्या रखा है, जो फीडबैक सिस्टम है उसको हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि फीडबैक हमेशा हम यूनिटी ले रहे हैं तो फिर यूनिटी नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।